थपकी थपकी प्यार की। ध्रुव तुम आ गए। श्रद्धा तुम सो जाओ, बहुत लेट हो गया ना। I love you, ध्रुव। देखना इसी तरह करीब आते आते तुम एक दिन पूरी तरह मेरे हो जाओगे। पता नहीं श्रद्धा, वो दिन आएगा भी कि नहीं जब हमारे बीच में कोई रिश्ता जुड़ेगा। ध्रुव से तो झूठ बोल दिया, खुद इस झूठ में मत रहना। याद रख, हम तुम्हें जान बूझ कर वहां छोड़कर आए। एक समय था जब हम हर वक्त हर जगह तुम्हारा साथ देते थे, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब हम तुमसे नफरत करते हैं। ध्यान और थपकी के बीच में भी अभी तक कोई रिश्ता नहीं जुड़ा है। लो श्रद्धा आ गई। थपकी तुम्हें बुलाने ही जा रही थी, तुमने मना किया था, फिर भी इसने सारी तैयारी कर दी। अब तुम फटाफट केक बना दो। अच्छा श्रद्धा, केक ना माइक्रोवेव में बनाना, प्रेशर कुकर में नहीं, क्योंकि माइक्रोवेव में केक हमेशा ज्यादा अच्छा बनता है, इसलिए तुम माइक्रोवेव में ही बनाना। एक्चुअली श्रद्धा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करवाती, पर मेरे ना ये हाथ में मोच आ गई है। मोच? दिखा बेटा, कहाँ है मोच, कब आई? दादी माँ बस थोड़ी देर पहले ही आई है। डॉक्टर को बुलाऊं क्या? अरे नहीं नहीं, डॉक्टर को मत बुलाइए, मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी और वजन नहीं उठाऊंगी तो मोच अपने आप ठीक हो जाएगी। अच्छा ठीक है, तुम केक बनाओ, हम लोग चलते हैं बेटा, ठीक है? और श्रद्धा, केक माइक्रोवेव में ही बनाना। चलिए दादी माँ, ऑल द बेस्ट। माइक्रोवेव में बनाना। ये थपकी माइक्रोवेव में केक बनाने के लिए इतनी जिद क्यों कर रही थी? इतना सारा सामान रख के तो चली गई है, पर बनाऊ कैसे? हाउ टू बेक अ केक। कहीं माइक्रोवेव में कोई गड़बड़ तो करके नहीं गई है? अभी तो बोल कर गई कि हाथ में मोच आई है, तो इतनी भारी बाल्टी कैसे लेके घूम रही है ये लड़की? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? ऑल डन, अब इसे माइक्रोवेव में रख देती। लवली, केक बनने के लिए रेडी। अब ये तो मैंने बना दिया, थोड़ी देर आराम कर लेते हूँ। अब तक तो केक बन गया होगा, देख लेती हूँ कि केक Thank you.
वो का मैं माइक्रोवेव के पास खड़े होके बस चेक कर रही थी कि कितना टाइम बचा है केक रेडी होने में, और कुछ नहीं कर रही थी मैं श्रद्धा। 2 मिनट में केक बाहर निकाल लेना, रेडी हो जाएगा। हम देखूं तो सही, कोई गड़बड़ तो नहीं की है इस थपकी ने? मैं केक निकालने के लिए माइक्रोवेव के पास जाऊं और ये बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए जैसे उस बुढ़िया के मोबाइल में हुआ था? तू मेरे साथ ऐसे बदला लेगी मैंने सोचा नहीं था। I know थपकी, ये ब्लास्ट तभी होगा ना जब मैं माइक्रोवेव का डोर खोलूंगी, पर ऐसा नहीं होगा थपकी। तुम्हारे ये जो नेक इरादे हैं ना मेरे लिए, उसे कभी कामयाब नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। क्यों हटाना, बिग 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 मिस्टेक। मना किया था मैंने तुम्हें, मना किया था, पंगा मत लो, लेकिन नहीं सुना ना तुमने। अब देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करती हूँ। बहुत बुरी चीज हूं मैं, की बहुत बुरी चीज। यही तो मैं चाहती थी श्रद्धा, कि तुम मेरे साथ कुछ गलत करो। इसीलिए तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए मैंने इतना सब कुछ किया। चाहे कुछ भी हो जाए, अब तुम्हारी असलियत माँ के सामने जरूर आएगी, और अपना असली रूप तुम माँ को खुद दिखाओगी। नहीं थपकी, गुड़िया से पहले असली रूप तो मेरा तू देखेगी। खत्म, तेरा खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म। थपकी, बहुत जरूरी बात करनी है। बाऊजी के पुराने स्टोर रूम में आके मुझसे मिलो, अभी 3 बजे। तीन तो बजने वाले हैं। वेलकम वेलकम वेलकम। पूरे 1 मिनट लेट हो तुम थपकी। जितनी मुझे नफरत इंतजार से है, उतना इंतजार करवाया तुमने मुझे हर एक चीज के लिए। पहले ध्रुव के लिए, फिर उस गुड़िया की बकवास परीक्षाओं को जीतने के लिए, और आज यहाँ पे आने के लिए। बट स्टिल आई वेलकम यू। क्या हुआ थपकी, बोलती क्यों बंद हो गई तुम्हारी? तुम्हारी अटक अटक के बोलने वाली जबान आज कुछ बोल ही नहीं रही। हैरान हो मुझे ऐसे जीता जागता सही सलामत देखते? क्या सोचा क्या था तुमने?
तुम्हारी चाल कामयाब हो जाएगी. नो 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 नो. वैसे आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू. क्या स्मार्टनेस दिखाई है तुमने. मेरी ही चाल तुमने मुझ पे चल दी. बट अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे सामने मैं जीती जागती खड़ी हूँ. क्या कहता उस बुढ़िया ने, क्या कहता? श्रद्धा, मुझे तुम्हारी आवाज कानों में चुभती है, चुभती है. मेरी आवाज उस बुढ़िया के कानों को चुभ रही थी ना. अगर तू वक्त पे नहीं पहुंचती ना थपकी, तो उस बुढ़िया के कान के पर्दे उखाड़ के फेंक देती मैं. बहरी हो जाती वो बुढ़िया जिंदगी भर के लिए, बहरी. पर मैं ना उस बुढ़िया की तरह बेवकूफ नहीं हूं जो किसी भी ऐरे गहरे चलते पे अंधा विश्वास कर लूं. नो, मैं उससे कई ज्यादा स्मार्ट. मेरा सच उस बुढ़िया के सामने तो क्या दुनिया में किसी के सामने नहीं आएगा. जानती हो क्यों? क्योंकि उस सच को बताने के लिए तुम जिंदा ही नहीं रहोगे. मम्मी जी, I'm sorry, मम्मी जी, वो अंधेरा था तो पता नहीं चला. मैं आपको कुछ नहीं करना चाहती थी, सच में ममराज. सच तो मैंने सुन भी लिया और देख भी लिया. देख लिया कि तुम किस हद तक गिर सकती हो. छी! मम्मी जी, मेरी बात सुनिए. ये मैंने जानबूझ के नहीं किया. वो ये थपकी थपकी नहीं, जानबूझ के आपको यहां भेजा होगा ताकि मैं आपके साथ. चुप! थपकी ने नहीं भेजा मुझे. मैं खुद यहां आई हूं ताकि इस सुंदर चेहरे के पीछे की गंदगी देख सकूं. और हाय राम जी, क्या देखा मैंने. सच कहूं ना तो आज मुझे तुमसे ज्यादा अपने आप पे गुस्सा आ रहा है कि मैं इतनी अंधी कैसे हो गई कि तुम्हारी गंदी नीयत नहीं देख सकी. लगातार इसको गलत समझती रही और तुम्हारा साथ देती रही. अरे मेरी सासू माँ ने मेरे ऊपर इतना विश्वास नहीं किया श्रद्धा चित्ता कि मैंने तुम पर किया. तू है मुझ पे कि मैंने अपनी सबसे बड़ी दौलत, मेरा ध्रुव, मेरी जिंदगी तुम्हारे हवाले कर दी. जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने. तू है मुझ पे. नहीं मम्मी जी, मेरी बात सुनिए. मम्मी चुप.
मर गई मम्मी जी तुम्हारे लिए और श्रद्धा मेरे लिए। लोग सही कहते आए कि एक औरत अगर चाहे ना तो घर को स्वर्ग बना सकते हैं और अगर चाहे तो घर को नरक। तुमने तुमने मेरे घर को नरक बना दिया। तुमने मेरी सोच को मेरी समझ को कलुषित कर दिया। एक ये है जिसने कभी कोई चालबाजी नहीं की, किसी का बुरा नहीं सोचा इसने, और एक तुम हो जिसे मक्कारी और चालबाजियों के अलावा कुछ आता ही नहीं है। बड़ा गुमान था मुझे, मेरी बहू श्रद्धा सबसे अच्छी श्रद्धा, सबसे सुंदर श्रद्धा, सबसे गुणवान श्रद्धा, खाक श्रद्धा। बड़ी उड़ रही थी मैं, लो मुंह के बल गिर गई। देख लिया इस सुंदर चेहरे के पीछे कितनी कालिख है। सास को ऊपर टांगने वाली औरत खुद कितना गिर सकती है, देख लिया मैंने। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। इस माफी और तुम्हें, तुम्हें अगर माफ किया ना तो मेरी आत्मा और वो मेरा परमात्मा दोनों मुझे माफ नहीं करेंगे कभी। हट, अभी और इसी समय निकल जाओ हमारे पांडे निवास से। जैसी लड़की के लिए घर में कोई जगह नहीं है। हमारे पांडे निवास में जानवर जरूर पाले जाते हैं लेकिन इंसान के रूप में लोमड़ी नहीं पालते हम। मम्मी जी मेरी बात सुनिए मम्मी जी प्लीज। तबकी मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मम्मी जी को बोलो मुझे घर से ना निकाले। देखो सिर्फ एक तुम ही हो जो मम्मी जी को मना सकती हो, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। बड़ी मुश्किल से उसके दिल में मैंने अपने लिए जगह बनाई है। प्लीज प्लीज सबकी मम्मी जी को बोलो मुझे एक और मौका दे दे, सिर्फ तुम बोल सकती हो और कोई नहीं। तबकी प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज मुझे इस घर से मत जाने दो, प्लीज प्लीज तबकी मेरी मदद करो। मैंने श्रद्धा के पिताजी को फोन करके बुला लिया है। जाकर घर के सभी लोगों को बैठक में बुलाओ और हाँ, ध्रुव को भी दफ्तर से बुलवा लो। श्रद्धा के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है मुझे सबसे। जी जी अभी बुलाते हैं। मैं जानती हूँ आप बहुत दुखी हैं और बहुत नाराज हैं श्रद्धा से, लेकिन माँ मैंने जो कुछ भी किया इसलिए नहीं किया कि आप श्रद्धा को इस तरह घर से बाहर निकाल दें, बल्कि माँ मैं श्रद्धा का सच आपके सामने लाई ताकि श्रद्धा आगे से आपको चोट ना पहुंचा सके। और माँ आप सतर्क हो जाओ उसकी सारी गलत हरकतों से। श्रद्धा की इस गलती की उसे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए माँ प्लीज। थपकी, जिस लड़की ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया तुम उसी की तरफदारी कर रही हो? तरफदारी नहीं माँ, माँ आप जानती हैं मेरे पापा कहते हैं कि काले रंग को काले रंग से कभी मिटाया नहीं जा सकता, उसे थोड़ा वक्त देना पड़ता है, धूप दिखानी पड़ती है, फिर जाके माँ आहिस्ता आहिस्ता उसे पानी से पोछा जाता है और उसका कालापन धीरे धीरे हल्का हो जाता है। माँ उसी तरह मुझे लगता है कि श्रद्धा को आप थोड़ा वक्त दीजिए
उसे उसकी गलतियों का एहसास हो जाएगा। माँ माँ ध्रुव सर के लिए श्रद्धा बिल्कुल सही लड़की नहीं है। ध्रुव के लिए श्रद्धा सही लड़की नहीं है तो कौन है तू? तू शब्द बिना रुके बोल नहीं पाती और श्रद्धा जैसी संस्कारी लड़की में कमी निकाल रही हो। जिसकी वाणी में दोष होता है ना उसके मन में दोष होता है।